Morning. So today we will start with yesterday we had SH words, starting words, right? Today we'll have ending words, and Monday onwards we will have in one day two or three sounds. ओके ये बिगनिंग था इसलिए स्लोली जा रही थी. एक दिन में एक साउंड ही दे रही हूँ आपको. मंडे से आपको एक दिन में एक दो साउंड्स के ऊपर तीन साउंड्स भी देंगे क्योंकि हमको 30 days है जो हमको खत्म करना है उसके अंदर. तो वी विल डू टुडे SH का लास्ट में कैसे एंड होता है. लास्ट क्लास हमने देखा था शुरू में जैसे शॉप हो शिप हो. आप लोग सबने प्रैक्टिस किया ए टू जेड का साउंड्स जो मैंने बताया था आपको. ए टू जेड साउंड्स जो है सबने प्रैक्टिस किया. आपको देखिए मुझे गा के सुनाना पड़ेगा. जैसे हम ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे गाते हैं ना ऐसे साउंड्स में गाना पड़ेगा आपको. अब ख ग ई ज क ई ज ऐसे पढ़ना. ऐसे आपको पूरे ए टू जेड आपको ऐसे मुझे साउंड्स के साथ गा के बना उनका नाम नहीं बोलना है. हर एक अक्षर का क्या होता है, एक तो नाम होता है दूसरा साउंड होता है. तो नाम का साउंड तो हम सबको मालूम है बचपन से हम सीखते आ रहे हैं ए बी सी डी करके. अगर आपको साउंड का गाना मुझे सुनाना पड़ेगा कितने लोग प्रैक्टिस करके आते हैं मैं देखती हूँ. ठीक है तभी आपको हर एक का साउंड आपको ध्यान में आएगा तो आप इजिली इंग्लिश पढ़ पाओगे. गुड वेरी गुड लेट्स प्रोसीड नाउ. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द होमवर्क. क्या होमवर्क मैंने दिया है आपको समझ में आ गया है ना. आपको सब ए टू जेड का साउंड प्रैक्टिस करके गाना बताना है मुझे जैसे अभी मैंने गाया. कौन अच्छा गाना है अगर स्वर अच्छा है तो उसका एक राग भी बना दीजिए. ऑल राइट लेट्स प्रोसीड नाउ. नाउ द फर्स्ट वर्ड आई विल राइट इज ऐश. एक कितने साउंड है इसमें. आप कोई भी ऐसे स्पेलिंग नहीं पड़ेगा ASH ऐश करके नहीं पड़ेगा. कैसे पढ़ोगे आप ऐश ऐसे पढ़ोगे. अगला इस ऐश को रख के ही अभी ऐश हम ऐश रख के ही कितने वर्ड्स बनाते हैं देखिए. ये सब ऐश ऐश करके हम कितने वर्ड्स बनाते हैं देखिए. यहाँ पे क डाल दिया तो कैश बन गया. ओके म डाला तो बन गया मैश. फिर बाद में ड डाला तो बन गया डैश. डैश किया ना आके ठक्कर लगाते हैं डैश. फिर बैश. बैश माने ऐसे मुक्का मारना दे घुमा देना. मैंने बैश किया उसके चेहरे को या आई बैश द आई बैंग माई हैंड करके बोलते ना वैसे बैश दे घुमा देना को बैश बोलते हैं. ठीक है अगला वापस रैश. रैश यानी रैश ड्राइविंग है उसकी बहुत ही खतरनाक चलाते हैं तो रैश. ओके फिर आता है आपका अभी ऐश वापस लिखते हैं. इसमें दो कॉन्सनेंट लग रहे हैं देखिए. स्म पढ़ने का स्म नहीं पढ़ने का. जब दो कॉन्सनेंट ब्लेंड होते हैं तो उसको सॉफ्टली पढ़ने का स्म स्म. वीडियो मेरा बहुत ही अच्छी तरह दिख रहा है आप देखिए. OPA5F5 आप देखिए आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम है क्या. स्मैश स्मैश ओके ऐसे पढ़े स्मैश. ऑल राइट फिर क्या बना सकते हैं लैश. फिर वापस ऐश बना रही इधर स्क्वायर. मैंने बताया था क्यू का क्यू हमेशा क्यू यू करके आता है तो स्क्वा ये क्वा एक्श. कितने साउंड है यहाँ पे. एक दो तीन चार साउंड है. कितने अक्षर है यहाँ पर. एक दो तीन चार पांच छ. चार साउंड है मगर चाहे छह अक्षर है ध्यान दीजिए. ओके तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यू यू को क्व पढ़ते हैं और SH को श पढ़ते हैं. श नहीं पढ़ने का. कल बहुत लोग ने इसको श करके पढ़ा. सिर्फ जैसे हम किसी को चुप रहने के लिए बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं श, 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 ऐसे बोलते हैं ना. तो वो ही साउंड निकालिए. आवाज मत करो श, श, ऐसे वो ही करोगे उसके लिए. श नहीं बोलोगे. ओके सो स्क्वैश. ओके वी हैड सो मेनी वर्ड्स इन ऐश. और भी लिख सकते हैं ऐश.
यहाँ पे भी देखिए दो कॉन्सनेंट, कॉन्सनेंट क्या होता है, जो व्यंजन बोलते हैं हिंदी में उसको कॉन्सनेंट, और जो वावल्स है उसको क्या है, स्वर बोलते हैं हिंदी में, आ, आ, ई, ई, जो आवाज निकालते हैं तो स्वर है वो लोग। तो वावल्स और कॉन्सनेंट मैंने पहले क्लास में बताया था आपको, तो ये बन गया आपका दो वावल, जो फल 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 नहीं पढ़ने का, फलाश नहीं पढ़ने का, फल 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 बन गया, फल क्या बन गया, फल फल। तो यहाँ पे कितने साउंड हुए, फल अक्ष, कितने साउंड हुए, चार साउंड है, मगर कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। ओके, हाउ मेनी लेटर्स, 5 लेटर्स, लेटर्स भी बोल सकते हो, अल्फाबेट्स भी बोल सकते हो। ओके, तो 5 लेटर्स हैं और 4 साउंड्स हैं, तो लिख लीजिए जल्दी से, ऐश कैश। आप लोग लिखते समय ऐसे डॉट्स करके लिखिए ताकि आपको समझ में आए, कैश यहाँ पे श 2 साउंड है, स्मैश डैश बैश। आज सब लोग मुझे पढ़ के दिखाओगे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं पढ़ेगा, मैम ये क्या है पूछूंगी तो स्मैश है, ऐसा नहीं पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे आप लोग, पहले सबका साउंड बताओगे मुझे, उसके बाद में उसको कैसे जोड़ते हो वो बताओगे, स्म स्म आ स्मैश स्मैश, ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, समझ में आ गया। ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, शैल आई रब द बोर्ड, यस आई रब दिस साइड सो आई कैन राइट मोर वर्ड्स। नाउ वी विल डू 11th में इश वर्ड्स करेंगे, इश 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 के आगे फ डाल दिया तो बन गया फिश फिश, तो यहाँ पे कितना फ इश फिश, डिश यहाँ पे देखें, र आ र आ, ये वापस ये डिश लिख दिया मैंने, ये डिश का स्पेलिंग है, यहाँ पे र रा ड इश डिश, राडिश मूली, राडिश र आ ड इश राडिश। अभी व व, ये व नहीं पढ़ने का, इसको सिर्फ वी को व पढ़ने का, डब्ल्यू को ही व व पढ़ोगे, व आ वह वैन, वैन लिखिए यहाँ पे, वैन लिख लिया, अभी इश डालेंगे हम, इश कितना साउंड, यहाँ 1 2 3 4 5, इसको वैनिज पकड़ नहीं पढ़ने का, वैनिश पढ़ने का, व आ वैन वैन इ वैनिश वैनिश, 1 2 3 4 5 साउंड्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स आर देयर, ओके यस, चले प्रोसीड टू द नेक्स्ट, ये हुआ वैनिश, ये रैडिश, देन स्क्विश, खुआ खुआ इश, यहाँ पे देखिए स खुआ, ये क्वा हुआ, ये इ इश हुआ, तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट्स हैं, मगर कितने साउंड है, 1 2 3 4 साउंड है, देखिए ध्यान रखिए 4 साउंड है और 6 वर्ड्स हैं इसमें, आई मीन अल्फाबेट्स हैं, क्लियर, शैल आई गो टू द नेक्स्ट, सिक्सटींथ, वी आर गोइंग टू द सिक्सटींथ, वापस ये इश वर्ड्स कर रहे हैं हम लोग, इश डालती है यहाँ पे, र आ ब, दो ब आता है एक ही बात पढ़ोगे, र आ ब रब इश रब इश रबिश, रबिश यानी बकवास, कोई रबिश बात करता है या बकवास बोलते हैं, और कूड़े कचरे को भी कभी कभी रबिश बोलते हैं, मगर एक्चुअल में रबिश यानी बकवास होता है। ओके okay? दूसरा, हम लेडीज को या जेंट्स को बहुत बार फेस में जब डब्बा डब्बे आते हैं जो है उसको बोलते हैं ब्लेम इश ब्लेमिश, ब्लेमिश को डब्बा जो फेस चेहरे पे पिंपल जैसा आता है ना, जो
पिंपल नहीं, पिंपल जैसे एक स्पॉट आता है उसको ब्लेमिश बोलते हैं, ब्लेमिश, ब्लेमिश, क्लियर? चलिए गो टू द नेक्स्ट। नाउ विल गो, वी बी वे सिंग फर्स्ट ए वॉवल के साथ, ऐश देखा, इश देखा, अभी अश देखेंगे। ये लास्ट वर्ड्स जो है फास्ट पढ़ने का कोशिश कीजिए ताकि फटाफट पढ़ पाओ आप, ठीक है? अभी अश 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 वर्ड्स देखेंगे। स्लश, स्लश यानी कि क्या, कीचड़ जो होता है ना, बहुत स्लश है, बारिश हो गया तो रोज बहुत स्लशी हो जाते हैं, जो बहुत ही कीचड़ हो जाता है ना, तो स्लश, स्लश। ब्लश, ब्ल अश, ब्लश। ब्लश का दो मीनिंग होता है, जब कोई शर्माता है तो गाल लाल हो जाते हैं तो ब्लश बोलते हैं, और जो हम मेकअप में लगाते हैं रूज जो गाल के ऊपर, उसको भी ब्लश बोलते हैं। शर्माने को भी ब्लश, देखो उसके शादी की बात की है, जैसे ही उसने, शी वॉज ब्लशिंग, शी वॉज ब्लशिंग ना, वो लाल शर्मा के लाल हो गई करके ब्लश। ओके, सो ब्लश। और दूसरा जो है, आई हैव बॉट अ न्यू ब्लश फॉर माई मेकअप वैनिटी, मेरे मेकअप वैनिटी के लिए मैंने एक नया ब्लश खरीदा है। ओके, फ्लश, बाथरूम में जो करते हैं फ्लश होता है, और जो शर्माता है उसका फेस भी फ्लश हो जाता है, फ्लश यानी कि पूरा रेगुलर कलर से लाल हो जाने को फ्लश भी बोलते हैं। फ्लश, यस। सो वी हैव डन एश, इश, अश। अभी इश करेंगे हम, इ इ एश, एश, एश करेंगे, ए साउंड। रब द बोर्ड, यस। सो 21, वी आर गोइंग टू द 21 वर्ड, वी आर गोइंग विद एश, एश वर्ड्स करेंगे अभी, जैसे कि एश, मांस जो होता है फ्लैश, देखिए ये ए है, ये आ है, और ए को जो है ए है, अलग अलग सुनाई दे रहा है, हाँ, वेरी गुड। तो ये फ्लैश हो गया। मैश, मैश, फ्रेश, फ्रेश। ओके, शैल आई गो 24, 25? आई विल राइट एश इटसेल्फ। वी हैव नॉट डन दिस, क्रैश एंड थ्रैश, थ्रैश, क्रैश होना, थ्रैश होना, ये मैंने ए लिखा है, अ नहीं लिखा है, उसमें जोड़ दीजिए चाहिए तो पहले वाले में। तो टोटल मिला के 25 वर्ड्स हमने किया है आज, वर्ड्स एंड में। ओके, 25 वर्ड्स, ऑल दीज 25 वर्ड्स आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? किस किस को पढ़ना नहीं आ रहा है, ऐसा साउंड निकाल के नहीं आ रहा है तो कुछ टाइप कीजिए, नहीं तो कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। किसको डाउट है तो टाइप कीजिए कि मैम मुझे डाउट है इस साउंड में, कुछ है तो, कुछ डाउट नहीं है तो कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। ओके, किसी को डाउट नहीं है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, आई प्रोसीड फर्दर, यस। अभी इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, मैं बोलती हूँ ना, हर एक रूल में, बहुत सारे आपको रूल्स में ऐसा ही पढ़ने को मिलेगा, मगर कोई कोई एक्सेप्शन तो
होना चाहिए ना, हर एक घर में एक दृष्टि तो होना चाहिए ना। वैसे है ना, इसमें देखिए एक एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे जो एक्सेप्शंस भी रह सकते हैं, अगर जो वी हैव कम अक्रॉस, जैसे कि ये देखिए, ये वर्ड देखिए, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपके डोर में सब पुल पुश लगा रहेगा, ओके। मगर यहाँ पे ये ऊ क्या, ये यू का क्या साउंड निकल रहा है, ये देखिए, प उक्ष, ऊ निकल रहा है, आ नहीं निकल रहा है। वैसे यू का साउंड क्या है, वैसे यू का साउंड क्या है बच्चों, अ है, अ अम्ब्रला, मगर यहाँ पे क्या साउंड निकल रहा है, ऊ साउंड निकल रहा है, प उष, प उक्ष, ऊ। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए साइड में एक्सेप्शन। यहाँ पे यू जो है अपना साउंड ऊ करके बता रहा है, आ आ आ नहीं बता रहा है। ओके, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? गुड। अपने बच्चों को जब फोनिक्स सिखा रहे हो, तो मैंने जैसे सिखाया आपको एक ही दिन में ए टू जेड का साउंड्स, ऐसे मत सिखाइए। एक दिन में दो दो साउंड, जैसे ए का साउंड पहले दीजिए, फिर ब का साउंड है, पहले अ बराबर बोल रहा है क्या, फिर ब बराबर बोल रहा है क्या, ऐसे करके एक एक दिन दो दो तीन तीन साउंड दीजिए। क्योंकि आप लोग सब बड़े हैं, तो इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ए टू जेड तो अच्छी तरह आपको आता है, और उसका साउंड अगर आप ए फॉर एप्पल बोलोगे तो ए साउंड निकल रहा है, तो आई ए का साउंड एप्पल है, बी का साउंड ब बॉल है, तो ब का साउंड बी, बी का साउंड ब होगा, आप समझ सकोगे। मगर बच्चे जो हैं ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तो बच्चों को अगर आप सिखा रहे हो तो एक एक साउंड अलग से बोलिएगा, और उसका बहुत सारे, बी के लिए बॉल है, बेंच है, बैट है करके, बी के लिए जब बी सिखा रहे हो, बी में बहुत सारे वर्ड्स जो ब साउंड आते हैं वो सिखाइए, ओके, तभी आपके बच्चे जो है आपसे सीख पाएंगे, ओके। आप अगर टीचर बन रहे हो या कहीं भी कुछ किसी को सिखाने जा रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, कुछ भी हो, आपको ये सब काम आएगा किसी को पढ़ाने में, तो आप ऐसे ही पढ़ाइए। आप सब बड़े हैं, इसीलिए एक दिन में मैंने ए टू जेड काउंट कवर किया है, ठीक है। तो अगला आज हम देखेंगे आपका थोड़ा सा एक ज्ञान का, लाइक जनरल नॉलेज का करेंगे हम, ये बाद में फोनिक्स कंटिन्यू करेंगे, इसका सेंटेंस हम अगली क्लास लिखेंगे। अभी मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, यू आपका नाम लिख लीजिए, किसका नाम, आपका नाम क्या है, रुक्मणी है, बेबी शाह है, क्या किरण वर्मा है, जो भी है आपका नाम है आप यहाँ पर लिख लीजिए। लिख लिया, फिर यहाँ पर अभी हम ये आज फैमिली ट्री करके पढ़ रहे हैं, इसलिए हम, मैं ऐसे बोल रहे हैं, आपका नाम लिखिए, फिर यहाँ पर आपका मदर का नाम लिखिए, और यहाँ पर फादर का नाम लिखिए। अभी ये क्या बन गए, मदर और फादर क्या बन गए हमारे, क्या है बच्चों, हिंदी में माता पिता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट्स, पेरेंट्स, देखिए पढ़ना आ रहा है फोनिक्स में, देखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स, ओके, पेरेंट्स, ओके। सो ये जो है साइट वर्ड है, वाई ओ यू साइट वर्ड है, मैं वो बाद में सिखाऊंगी आपको। सो ये दोनों मिलके फादर, तो आपका मामा, मदर का नाम इधर लिख लीजिए, फादर का नाम लिख लीजिए यहाँ पे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माता पिता, ओके। अभी आपके मम्मा के माता पिता होंगे ना, तो इसका भी एक ऐसा बनाएंगे हम, ठीक है। तो ग्रैंड मदर, इनको क्या बोलते हैं हम, ग्रैंड मदर, और इनको क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर, करेक्ट, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। यहाँ पे भी आपको यही आएगा, यहाँ पे भी आपको ये भी ग्रैंड मदर बन जाएंगे, ये भी ग्रैंड फादर बन जाएंगे, मगर हिंदी में इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं, यहाँ पर दादी बोलते हैं, यहाँ पर दादा बोलते हैं, मगर इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैसे जाने किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में इसको मैटरनल, मैटरनल, और यहाँ पे पैटर्नल,
मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके तो ये क्या है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है और यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर? मम्मा के साइड को याद रखे, एम से मैटरनल और पी फादर को पापा बुलाते हैं, तो पी याद रख लीजिए पैटर्नल। क्लियर? अभी इनके माता पिता रहेंगे ना यहाँ पर, इनके माता पिता ऐसे रहेंगे ना, हाँ, तो वो भी लिख लीजिए ऊपर। और आप लोग सब क्या करोगे, आपके नानी का नाम लिखोगे, नाना का नाम लिखोगे, दादी का नाम, दादा का नाम लिखोगे आप, तब आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अभी बहुत लोगों को इतना तक ही मालूम है, इसके ऊपर उनके दादी का नाम, उनके उनको क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। दोनों तरफ वही होगा, मगर सेम कॉन्सेप्ट, ये मैटरनल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, वो पैटरनल ग्रेट पेरेंट्स। ओके तो ये क्या हुआ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गया। यहाँ पे भी वही होगा, जी जी पी लिख रही मैं, आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए पूरा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी ये मदर फादर मदर फादर मदर फादर मदर फादर, सबका नाम मुझे चाहिए। कौन इतना बढ़िया फैमिली ट्री बना के आने वाला है, और फोटो खींच के भेजिए आपका अच्छा सा, उनका फोटो है तो फोटो चिपकाइए और बनाइए इतना अच्छा सा फैमिली ट्री, या तो उनका नाम लिखिए। तो आपको इस बहाने आपको आपका परदादा का, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, परदादा बोलते हैं और परदादी परनानी ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ पर लिखूं मैं, यहाँ पर नानी पर दादा नाना ऐसा होता है, यहाँ पर दादी ऐसा आएगा, पर दादा मीन दादी एंड पर दादा। ओके, और इसके ऊपर जो जा रहे हैं, इसके ऊपर अभी इसका भी, इनके भी माता पिता ऐसे रहेंगे ना, तो उनको ही हम बुलाते हैं एंसेस्टर्स। क्या बुलाते हैं, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज जो है, ये बन गया आपका फैमिली, फैमिली चार्ट बोलो, फैमिली ट्री बोलो, क्या आपको जैसे लिखना है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर ये आपके फादर के भाई बहन होंगे, आपके मदर के भाई बहन होंगे, वो सब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगली कक्षा में देखेंगे। हाल फिलहाल इतना जान लीजिए, ये मैं क्यों यहाँ से शुरू किया, क्योंकि आपसे शुरू होने से आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं शुरू करूंगी, फिर बोलूंगी आप पैदा हो गए तो मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से सिखाया है कि ये क्या है, आप हैं, आपके माता पिता हैं, आपके मदर के माता पिता रहेंगे, वो आपके क्या बन गए, आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, यानी मैटरनल, शी इज माई मैटरनल ग्रैंड मदर, शी इज माई, अब ये दोनों खड़े हैं, दोनों मदर खड़े हैं, तो शी इज माई मैटरनल ग्रैंड मदर, शी इज माई पैटर्नल ग्रैंड, हस्बैंड की माँ है बोलने से बजे आप ऐसे बोल सकते हो। ओके क्लियर, यस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसको भी आप जोड़ के पढ़ पाओगे, देखो, प एक्ट टर पैटर्न एल पैटर्नल, जोड़ के पढ़ के देखिए, पैटर्नल म मैट मैट, ये देखिए पैट हो गया, पैच हो गया, अर पैटर न एल पैटर्नल, ये अर पैटर्नल, कितने साउंड से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए अभी ये 8 अल्फाबेट्स का वर्ड आपके सामने आ गया, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आप फोनिक्स के जरिए ये नया वर्ड है तो भी पढ़ पाओगे आप। ये देखिए मैटर्नल, मैट अर मैटर नल न एल मैटर्नल। ओके यस आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ, हु इज योर फादर्स ब्रदर कॉल्ड, हु इज योर फादर्स सिस्टर कॉल्ड, व्हाट आर द रिलेशन, वी विल सी नेक्स्ट क्लास।
ऑल राइट चिल्ड्रेन, आई होप योर एवरीथिंग इज क्लियर. कार्तिक सर, यू कैन अनम्यूट देम सो दे कैन डिस्कस विद मी. यस, तो बताइए कैसा लगा क्लास, और आप लोग बहुत समझ पा रहे हो? डाउट्स है आपको? वेरी यस मैम बहुत अच्छा लगा मैम। गुड. कुछ डाउट्स है आपको? नो नो मैम, मैम. नो नो मैम, तो अभी मैं पढ़ने को बोलूंगी, ठीक है ना? मैम, चलिए, तो पढ़ के दिखाइए. अभी मैं नाम लूंगी, उस वो स्टूडेंट पढ़ेगा. भारती देवी जी, पहले आप पढ़िए. इसका कितना साउंड है इसमें, बताइए मुझे. दो साउंड है मैम। अरे कितने ये साउंड क्या है? दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है आपको? आप अरे लोग हमारा प्लीज नाम म्यूट कीजिए कैमरा अपने. क्या था? PRA। यस मैंने साउंड यस पूछा. अरे नहीं, क्यों गायब हो गया? नहीं, आर और नहीं. ए, एच, एच और यस और ए गायब होगा। संगीता देवी जी, आप म्यूट कीजिए थोड़ा प्लीज. प्लीज क्लास का डेकोरम फॉलो कीजिए. अगर मैं बोल रही तो आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, कि जिसका नाम लिया जाए सिर्फ वीडियो वो ही अनम्यूट करके बात कीजिए. मैं जानती हूँ कि आप लोग सबको आंसर पता है, मगर प्लीज आप फॉलो करेंगे तो ही आप समझ पाओगे. दूसरों की गलती से भी हमको सीखने को मिलती है. ऑल जी मैम राइट, या ठीक जब मैं अनम्यूट करने को बोल, है, सिर्फ ही अनम्यूट कीजिए, बाकी लोग सब म्यूट रखिए. तीन है बता रहे। थैंक यू फॉर हेल्पिंग. यस यस, ज्योति कुमारी जी, आप पढ़ के बताएंगे. क्या मैम टेरेश, वो बराबर है? मुझे साउंड पढ़िए, ये ट है. रेश टेरेश टेरेश नहीं होता है, देखिए ज्योति कुमारी जी, यहाँ पे टेरेश देखिए, ये ट ट नहीं पढ़ने का, इसको ट पढ़ने का. ट र जी ट्र हो मैम गया है. ट्र आ टेरेश। ट्र आश. तो कितने साउंड है इसमें? ट्रैश में चार साउंड है, ऐसे पढ़ने का. ट्र आश ट्र आश ट्रैश. और कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं. डाउट है? नहीं है तो पढ़ पाना चाहिए. तो आप लोग को प्रैक्टिस पूरा नहीं है आपका, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब, ठीक है ना? तो घर में ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, साउंड्स निकालिए. इसका ट नहीं, ट ट ट र ट ट बोलेगा तो ये ही ट हुआ, टी ए आता है. ट ऐप, ये ही हुआ टैप. ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस की जरूरत है. सिर्फ मेरे क्लास में सुनने से आपको नहीं आएगा, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए. ओके, आज के लिए इतना ही. चिल्ड्रन, आई होप यू विल टेक दिस अप वेरी सीरियसली एंड प्रैक्टिस इट. थैंक यू. जय यस विद्या शक्ति, मैम। जय भारत, जय हिंद.